छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में कन्या कुब्ज सामाजिक चेतना मंच सेक्टर एक द्वारा मानव आश्रम परिसर में 22 दिसंबर रविवार को प्रातः 10 बजे से पारिवारिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में मंच के अध्यक्ष आशीष शर्मा ने बताया कि इस वर्ष पारिवारिक परिचय सम्मेलन को और भी भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। वार्षिक सम्मेलन में डीएमके वाजपेयी के साथ अखिल भारतीय कन्या कुब्ज ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला एवं राष्ट्रीय महासचिव महेश कुमार मिश्रा मुख्य वक्ता होंगे। इस दौरान विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय समारोह भी किया जाएगा। चेतना मंच दुर्ग भिलाई में निवासरत परिवारों के साथ सुख दुख का साथी बने हुए राष्ट्रीय धार्मिक सामाजिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में कन्या कुब्ज ब्राह्मण समाज पुना के अध्यक्ष शिव प्रसाद शुक्ला, नासिक में नीरज गौरीशंकर तिवारी, गोंदिया से अमित मिश्रा, औरंगाबाद से सचिन अवस्थी, रायपुर से अरुण शुक्ला, बिलासपुर से बजेंद्र पांडे एवं बिलासपुर से राम प्रसाद शुक्ला उपस्थित रहेंगे। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े और सुनील सोनी की संयुक्त रिपोर्ट। और हम लोग यह 24वां वार्षिक पारिवारिक परिचय सम्मेलन यहाँ पर मानव आश्रम में आयोजित कर रहे हैं और विगत 24 सालों से ये हम लोग कार्यक्रम लगातार हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों ने जो हमको सिखाया है उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग यह पारिवारिक परिचय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर मानव आश्रम में करने जा रहे हैं, जिसमें कि छत्तीसगढ़ से ही सिर्फ हमारे विवाह योग्य लड़के लड़कियों का परिचय का हम लोग का प्रयास नहीं रहता है। हमारे पास में जो दूसरे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और दूसरे राज्यों से इवन राजस्थान, गुजरात, वहाँ से भी हम लोगों का जो संपर्क हम लोगों ने किया है तो वहाँ से भी युवा वर्ग यहाँ पर परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित होने के लिए उन लोगों ने सहमति दी है और आप सभी लोगों का जो सहयोग मिलता है हम लोगों को उससे मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का जो प्रचार प्रसार आपके द्वारा जो सहयोग मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हमारे कानपुर सामाजिक चेतना मंच में 22 तारीख को जो हम लोग पारिवारिक परिचय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोनों लड़का पक्ष और लड़की पक्ष वाले एक दूसरे से संपर्क स्थापित करेंगे, परिचय होगा। और पिछले वर्ष जैसे लगभग 40 विवाह संपन्न हुए थे हम लोग यहाँ, हम लोगों को इस बार आशा है कि कम से कम उससे डबल, कम से कम 80-85 परिवार यहाँ पर जोड़े के रूप में हम लोगों का उसका रिजल्ट मिलेगा, तभी हम लोग को ये समझ में आएगा कि हम लोगों ने जो प्रयास किया निश्चित रूप से वो प्रतिफल होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और हमारे यहाँ इस बार जो विभिन्न संस्थाओं के हमारे जो चेतना मंच कानपुर जो समाज के जो लोग हैं महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, कानपुर से, बीकानेर से, महाराष्ट्र से, नागपुर से, पुणा से, औरंगाबाद से, उड़ीसा से और राजस्थान से, गुजरात से भी हमारे पदाधिकारी लोग यहाँ पर हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं इतने सालों से हम लोग का जो अनुभव है उस हेतु उन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उन लोगों ने स्वेच्छा से अपनी सहमति प्रदान की है। ये हम लोगों के लिए भलाई के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और उसमें आप लोगों का जो सहयोग प्रचार प्रसार के जो द्वारा हम लोगों को सहयोग प्राप्त होता है हम लोग उसके लिए साधुवाद आप लोग पात्र हैं और इसी प्रकार से आप लोग सहयोग देंगे तो निश्चित हम लोग का कार्यक्रम सफल होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।